हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आपके लिए और नया और एक्साइटिंग वीडियो लेकर हाजिर हूं गाइस। सो गाइस, आप सबको पता होगा कि कुछ घंटे पहले ही मैंने वीडियो डाली थी कि नए कोलैबोरेशन और नए एडवांस सर्वर के ऊपर। वैसे ही गरीना ने एडवांस सर्वर रिलीज़ कर दिया, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है तो मुझे वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस सर्वर हमारे गेम में हमको 8 जून को देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया था 8 और 10 जून पिछले वीडियो में, वैसे ही होने वाला। और जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो नए कैरेक्टर के ऊपर, इसका ये पैसिव स्किल होने वाली है और इसकी एबिलिटी होगी जब आपकी मूवमेंट करते रहोगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड को 35-40% बढ़ा देगी, जो बहुत ही ओपी चीज़ है। और इसकी जो सेकंड एबिलिटी होने वाली है वो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने वाली है। आपकी एक्यूरेसी ये 35-40% इंक्रीज़ कर देगी, तो बहुत ओपी कैरेक्टर होने वाला। और सबसे मेन बात, ये पैसिव में आएगा। तो अगली अपडेट जो आ रही है वो न्यू पेट की तरफ से, इस पेट का नाम तो पता नहीं चला और अभी तक इसकी एबिलिटी भी मुझे पता नहीं चली है, पर देखने तो बना डक टाइप दिख रहा है भाई, मज़ा आएगा, क्यूट दिख रहा है, तो आएगा तो मैं तो निकालने वाला हूँ। तो देखते हैं अगली अपडेट आ रही है जो हमारी होगी नए गन के ऊपर। तो हमें गेम में नई गन देखने को मिलेगी जिसका नाम है यूजी। आपने इस गन को पबजी में देखा होगा, पबजी में गन है और अभी फ्री फायर में भी आ गई और ये पिस्टल स्लॉट में आएगी। ये नॉर्मल गन नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी पता नहीं पर मेरे ख्याल से शॉर्ट रेंज ही है, आप ज़्यादा लॉन्ग रेंज में इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कि इसकी एबिलिटी कैसे होने वाली है, जब तक इसको चला के देखेंगे नहीं तब तक तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर चलते हैं गाइस अपनी अगली अपडेट की तरफ से जो कि आ रही है हमारी लॉबी को लेके। तो फिर जैसे ही फ्री फायर वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होगा वैसे ही हमारी न्यू लॉबी आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पर। देखिए ये सेम, लगभग सेम टू सेम 90% सेम पुरानी लॉबी जैसे, मतलब गरीना क्या करते हो भाई, जो चीज़ आपने रिपीट करी है वो चीज़ को फिर से आप रिपीट कर रहे हो, मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई। आप अच्छा कुछ तगड़ी लॉबी लानी चाहिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ से, क्योंकि हमारे सेटिंग्स में होने वाली है, सेटिंग्स में कुछ चेंजेस हुए उसको दिखा देता हूँ गाइस। सबसे पहले तो ये हमारा सेंसिटिविटी स्लॉट है जो नया देखने को मिलेगा, जो ऐसे दिखेगा, देखने में बहुत कूल लग रहा है और ज़्यादा आसान होगा वर्क करने में। तो ये भी अच्छा काम किया है गरीना ने। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे होने वाले लैंग्वेज मेन मेन्यू ग्राफिक्स। यहाँ पर जैसे कि आपको अगर कोई ग्राफिक्स या कनेक्शन की प्रॉब्लम आते रहेगी तो आप वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले आपको बहुत बड़ा मेल लिखना पड़ता था पर अब आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही मैसेजिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैसेज, स्ट्रेंजर्स इनवाइट, बुकिंग एप्लीकेशंस, रिसीव टीम इनवाइट्स एंड सेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिकमेंडेशन, मतलब आप किसको फ्रेंड बना सकते हैं, आपके किसको इनवाइट्स आएंगे, आप किसको बुक कर सकते हैं और अजनबी भी आपको इन्वाइट कर सकते हैं हाँ या नहीं। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है कि क्योंकि आप बहुत बार फ्रेंड्स आपको बहुत इरीटेट करते हैं। तो अगली जो अपडेट आ रही है वो हमारी एम के कंट्रोल्स के ऊपर आ रही है। आप जहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल्स की नई सेटिंग आ चुकी है, यहाँ से भी कंट्रोल्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। पहले थोड़ा हार्ड था कंट्रोल्स को समझना पर अब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। ये भी अच्छा किया गरीना ने। तो चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि होने वाली है हमारे न्यू गन्स के ऊपर। MK40 नाम की एक नई गन आने वाली है। हमें MP40 तो सुना था पर ये नई गन MK40 कैसी होगी चलाने में, जैसे मुझे कुछ अपडेट इसके बारे में पता चलेगी मैं आपको बताऊंगा। लीक नहीं अपडेट, क्योंकि हम सिर्फ अपडेट देते हैं, लीक देना हमारा काम नहीं है, लीक देना गलत है गरीना के अनुसार, हम लीक्स नहीं देंगे। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जो हमारी नई व्हीकल के ऊपर आने वाली है, जो स्कूटी, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था 2-व्हीलर नई गाड़ी आने वाली है। तो गाइस टिकटॉकर्स या रील बनाने वालों के तो मज़े हो जाएंगे, इससे खूब मस्ती करेंगे। तो अगले और आखिरी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे न्यू मैकेनिज्म के ऊपर, जो होने वाली हमारी गाड़ी को लेके। गाड़ी को लेके बहुत ही ओपी चीज़ होने वाली है, जैसे हमने देखा है नॉर्मली दूसरे बैटल ग्राउंड गेम में, अब हम फ्री फायर में भी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे फायर कर पाएंगे। जी हाँ गाइस, बैठे बैठे फायर कर पाएंगे, बहुत ही मजा आएगा गाइस। जब ये अपडेट में मुझे इसको ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी तो यही चीज़ लगी, क्योंकि हम प्लेयर्स बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे थे कि गाड़ी से भी फायर करना, क्या कुछ ऐसा अपडेट आना चाहिए, सिस्टम आना चाहिए। बाकी हमने बहुत सारे बैटल ग्राउंड गेम्स में देखा है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इससे गेम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। टूर्नामेंट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप इससे नई नई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, गाड़ी से जाने के जोन में जाना फायर करते हुए, प्लस कैंपिंग रस, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़ है, मतलब मज़ा आ जाएगा। हाँ हमारे एडम चाची की तो मज़े हो जाएंगे गाइस, जो गाड़ी लेके घूमते थे अब तो फायर भी कर पाएंगे, पूरे एडम की स्क्वाड तो मचा देगी। तो कैसी लगी गाइस आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, देख रहे हो आप एक दिन में दो वीडियो लेके आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना गाइस यार, क्यों इतना भाव खाते हो यार। मैं आया हूँ आपकी कम्युनिटी में आपके हेल्प करने, आप अगर कोई भी चीज़ मुझे लगे आपको बतानी चाहिए तो आपको सबसे पहले बताने हैं। और तो चलिए गाइस बस बात के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।